हेलो फ्रेंड्स, आई एम सचिन राणा फ्रॉम ओशन इंटरनेशनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंगापुर के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। आपने सुना होगा कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप का वीज़ा जो है रिजेक्ट होता है, बट आज के टाइम में सिंगापुर का वीज़ा भी जो है काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन आना शुरू हो चुका है। अब उसके कुछ तरीके, कुछ फैक्ट्स होते हैं कि जिनको हमने कंसीडर किया है कि वो कौन से एप्लीकेशंस को जरा वो बहुत ध्यान से देख रहे हैं आज के टाइम में। आज से आप एक साल पहले लेके चलिए, अराउंड एक साल पहले कोई भी एप्लीकेंट अगर अप्लाई करता था तो उसको वीज़ा नॉर्मली मिल जाता था, जो फ्रेश केस होता था। बाकी कंट्रीज में आपने देखा होगा कि कोई ट्रेवल्ड होता है, एक बार जाके आ गया होता है तो उसको सेकंड टाइम वीज़ा मिलना इजी हो जाता था, बट सिंगापुर में उस टाइम क्या होता था कि अगर आप एक बार गए हो तो दूसरी बार वीज़ा मिलना थोड़ा सा मुश्किल था। ये सबके लिए नहीं है, बट हमने जो एप्लीकेंट्स नॉर्मल एप्लीकेंट्स के लिए देखा है, और फ्रेश कैंडिडेट्स का हमने हर एप्लीकेंट को वीज़ा हमने प्रोवाइड करवाया था। बट आज की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में क्या है कि आजकल सिंगापुर ने भी वीज़ा काफ़ी ज़्यादा जो है रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जैसे एज कम होती है तब भी रिजेक्शन आ जाती है, स्टेबिलिटी बिजनेस में नहीं होती है तब भी रिजेक्शन आती है, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? सपोज आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने अभी 10+2 पास किया है या ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आपको लगता है आपने सिंगापुर जाना है, मलेशिया, थाईलैंड, कहीं भी जाना है, तो आपको सिंगापुर का वीज़ा सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सिंगापुर का वीज़ा अगर मिल जाता है तो मलेशिया, थाईलैंड के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है आज के टाइम में। तो सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपका पासपोर्ट जो है मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो आपने शो करना है, आपके अकाउंट में कम से कम 1.25-1.5 लाख रुपए होने चाहिए, या फिर अगर आपकी एज कम है, आप अर्निंग नहीं करते हैं, तो आपके फादर के अकाउंट में या आपकी मदर के अकाउंट में होने चाहिए, और उनकी तरफ से एक डिक्लेरेशन आता है, एक एफिडेविट बनता है कि आपको जो है वो आपके मदर या फादर जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं पूरा ट्रिप आपके लिए। सपोज आपके फादर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर। अगर वो गवर्नमेंट जॉब है तो कोई आईडी कार्ड उनका लगेगा, उनकी बैंक स्टेटमेंट लग जाएगी। अगर वो बिजनेस करते हैं तो उनके अकाउंट स्टेटमेंट एंड उनका बिजनेस का कोई रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे साथ में। इसके अलावा रिटर्न टिकट चाहिए होती है, रिटर्न टिकट करवाना जरूरी है, और आप होटल बुकिंग भी आपको करवानी पड़ेगी। इसके लिए सिर्फ इतने से ही बेसिक्स कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और काफ़ी ईजिली जो है वीज़ा फिर लग सकता है। अगर आप इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करवाते हैं तो वो काफ़ी आपकी एप्लीकेशन जो है सोच समझ के जो है उसके ऊपर डिसीजन ले रहे हैं आज के टाइम में। पहले हमने देखा है, हम 4 घंटे में भी हमने वीज़ा जो है वो लिए हैं, पर आज के टाइम में 2 वर्किंग टू 7 वर्किंग डेज के बीच में, कई बार तो 10 वर्किंग डे भी जो है ले रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो ऑलमोस्ट जो ये डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने बताई है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका अपना बिजनेस है, आप जॉब करते हैं, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपनी कंपनी की स्टेटमेंट, आप अपने करंट अकाउंट की स्टेटमेंट साथ में दे सकते हैं। प्रॉब्लम ज़्यादातर सिंगल्स एप्लीकेंट्स के लिए आती है, जो सिंगल होते हैं, जो फैमिली या कपल्स हैं उनके लिए इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है आज के टाइम में। आज डेट है 17 नवंबर, 17 नवंबर की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ 2018 में। आज के टाइम में अगर हमारे पास कोई कपल आता है तो हम उससे कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं लेते, पासपोर्ट, फोटोग्राफ, वीज़ा फीस, दैट्स ऑल, और कोई जॉब का कोई प्रूफ है तो वो दे दीजिए, ज़्यादा उनके डॉक्यूमेंट, इवन हम वैसे उनके लिए बैंक स्टेटमेंट भी नहीं मांगती आज के टाइम में। अब वीज़ा अप्लाई कैसे होता है? वीज़ा अप्लाई के लिए डायरेक्ट आप हाई कमीशन में जाके अप्लाई नहीं कर सकते, जो सिंगापुर हाई कमीशन है। उसके लिए क्या होता है, हाई कमीशन ने कुछ ऑथराइज एजेंसीज रखी हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी फीस अराउंड गवर्नमेंट फीस आप लेके चलिए 1800 से 2000 के बीच में गवर्नमेंट फीस होती है, फिर एजेंट जो है अपनी सर्विस चार्जेस लेते हैं तो 2 से 3 हज़ार के बीच में जो है वो फीस हो सकती है।
तो बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड है, जो भी आपके एरिया में जो भी करता है एजेंट करता है आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कंसीडर करने के लिए। तो इस तरह से आप जो है सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आज के टाइम में एक और प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कुमार है, सपोज मेरा नाम सचिन राणा है, मेरे नाम के पीछे कुमार लगा है, सचिन कुमार। तो सचिन कुमार का क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आज के टाइम में कुमार नाम को वो एप्लीकेशन को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? उसका रीज़न ये हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी कि पिछले जो कुछ सालों से या कुछ महीनों से वहाँ पे जितने भी कुमार नाम के एप्लीकेंट्स गए हैं वो या वहाँ पे ओवरस्टे हुए हैं या कुछ गलत एक्टिविटीज में पाए गए हैं, जिसकी वजह से जो है कुमार नाम के एप्लीकेशन को वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं। पहले सिंह के साथ भी ऐसा होता था, जिसके पास सिंह लगा होता था उसको प्रॉब्लम्स होती थी किसी भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब कुमार के साथ भी ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो चुकी है। अगर जैसे सचिन कुमार है तो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो आपकी एप्लीकेशन को बड़े थॉरली देखेंगे। अगर सपोज सचिन गरेवाल नाम है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सचिन राणा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा नाम सचिन सिंह है तब भी थोड़ा वो ध्यान से देखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इस तरह से आप जो है ये डॉक्यूमेंटेशन करके नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई सिंगापुर के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नंबर्स दिए हैं, एड्रेस दिया है, वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप करिए, वहाँ पे हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।